नुकसान पिछले 24 घंटे में हुआ है और अब ये लगभग तय हो चुका है कि साल 2024 गाजा के लिए काल बनकर आ गया है। भारी नुकसान झेलने के बाद इजरायली सेना बुरी तरीके से बौखला गई है। वही हमास ने इस वक्त मध्य गाजा, दक्षिणी गाजा के खान यूनस में इजरायली सेना पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। का काल साल 2024 गाजा युद्ध को लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इजराइल की आईडीएफ गाजा से हमास लड़ाकों का सफाया नहीं कर पाई है। हालांकि पिछले 36 घंटों में इजरायली सेना ने हमास के लड़ाकों के साथ साथ 200 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार डाला है। हैरानी की बात तो यह है कि इजरायली सेना पर पिछले 2 हफ्तों से अचानक हमास के लड़ाकों ने उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा में जबरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं। साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर 2023 को हमास की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो को देखिए, जिसमें हमास के लड़ाके इजरायल के टैंक पख्तरबंद लड़ाकू वाहनों पर बेहद पास से हमले कर रहे हैं। हेलमेट पहन रहे हैं टैंक, टैंकों का कब्रिस्तान गाजा, हमास का टैंकों पर हमला। 31 दिसंबर 2023 को हमास की तरफ से जारी इस वीडियो को देखिए, जिसमें हमास लड़ाके बेहद करीब से इजरायली टैंक के ऊपरी हिस्से पर सीधा हमला कर रहे हैं। हमास का दावा है कि यह हमला इजरायली टैंकों पर दक्षिणी गाजा के खान यूनस में किया गया है। हमास का दावा है कि यह हमला 30 दिसंबर 2023 को इजरायली टैंकों पर हुआ है। इजरायल के टैंकों पर चुन चुन कर हमले हो रहे हैं, क्योंकि इजरायल का मरकावा टैंक हमास और गाजा का काल बन चुका है। इजरायल इन्हीं टैंकों से अब तक 800 से ज्यादा सुरंगें तबाह करने में मदद कर चुका है। यही वजह है कि अब हमास इजरायल के टैंकों पर बेहद पास से हमले कर रहा है। कई बार तो मुश्किल से 20 से 25 फीट की दूरी से हमास हमले कर रहा है। हमास के रॉकेट इजरायली टैंकों के हैच वाले यानी ऊपरी हिस्से पर सीधा हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से टैंक बर्बाद हो रहे हैं। अब हमास की तरफ से जारी ये वीडियो देखिए, जिसमें हमास के लड़ाके गाजा में कब्रिस्तान बन चुके इमारतों के पीछे से इजरायली सेना पर हमला कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में कई इजरायली सैनिकों की भी मौत हुई है। इसी तरह से हमास ने 28 दिसंबर 2023 को इजरायली सेना पर मध्य गाजा में ब्यूरिस शरणार्थी शिविर इलाके में इजरायली सेना पर हमला किया है। टैंक और पैदल सेना पर हमास इसी तरह से हमला कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस इलाके में अभी भी इतनी ज्यादा सुरंगें बची हैं, जहां से अचानक हमास के लड़ाके हमले कर रहे हैं। इसी तरह से हमास के लड़ाकों ने 27 दिसंबर 2023 को एक ही हमले में 12 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को मारने का दावा किया है। हमास का ये वीडियो किस जगह का है ये तो नहीं पता, लेकिन वीडियो में इजरायली सेना पर हमास के लड़ाकों के हमले साफ देखे जा सकते हैं। यही वजह है कि इजरायली सेना के मरकावा टैंक के ऊपर शील्ड लगाई जा रही है, ताकि टैंकों को दबाव होने से बचाया जा सके। इजरायल की मौत बना हमास का सुरंग युद्ध।
अब तक इसराइल के 480 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह हमास की वो सुरंगें हैं जो अभी तक इसराइल तबाह नहीं कर पाया है। हालांकि नेतन्याहू पिछले हफ्ते गाजा पहुंच गए थे और उन्होंने इजरायली सेना के कमांडर्स और सैनिकों के बीच काफी वक्त बिताया। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि अब किसी भी कीमत पर गाजा युद्ध नहीं रुकेगा, चाहे भले ही गाजा युद्ध लंबा चले। अगर हम गाजा में फिलिस्तीनियों और हमास के लड़ाकों पर नजर डालें तो तस्वीरों और आंकड़ों से बिल्कुल साफ हो जाता है कि इसराइल ने गाजा को पूरी तरह से कब्रिस्तान बना दिया है। गाजा में 70% से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं। 19 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थी बन चुके हैं। भूखे, प्यास, बीमारी और बमों के हमलों ने गाजा में फिलिस्तीनियों को साक्षात नरक में पहुंचा दिया है। तो चलिए यार, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।